हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले ब्रांड न्यू TVS अपाचे RTR 162V के न्यू LED एंड डिजिटल मीटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट में आप इस बाइक को ले सकते हैं। ऐसे सारे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे इस बाइक को लेकर, तो आप वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों को TVS अपाचे RTR 162V के बारे में सभी चीज़ें जानना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि अपाचे RTR 162V एक बहुत ही बेहतरीन बाइक है। पहले से ये बाइक काफ़ी अच्छी थी और TVS वालों ने एक बेहतरीन सा अपडेट देकर बाइक को जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा इन्होंने बना दिया है। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते बात करते हैं न्यू TVS अपाचे RTR 162V के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि ये बाइक आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, प्राइस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि इस बाइक में आपको नंबर ऑफ 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, ड्रम, डिस्क एंड डिस्क विद ब्लूटूथ। 3 वेरिएंट आपको बाइक में मिलेंगे और तीनों बाइक के बीच में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ड्रम वाली आपको एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,17,000 रुपए के आसपास की आएगी, जो कि ऑन रोड प्राइस अराउंड हमारे यहाँ 1,42,000 है, 1,42,000 से 1,43,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद डिस्क वाली के बारे में बात करें तो वो एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,21,000 रुपीज के आसपास की एक्सरूम प्राइस आती है, जो कि ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,46,000, 1,46,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। बात करें टॉप वेरिएंट के बारे में दोस्तों, तो टॉप वेरिएंट एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,24,500 रुपीज के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये वाला वेरिएंट हमारे यहाँ 1,50,000, 1,50,000 रुपए के आसपास की हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों, आप लोगों की सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में कि कैसा इंजन एंड कितनी पावर आपको बाइक में दी गई है। दोस्तों, बताना चाहूंगा इंजन टाइप में आप लोगों को इस बाइक में TVS का जो इंजन मिलता है वो काफी अच्छा है। इस बाइक में 159.7 cc का SI 4-stroke एयर कूलिंग इंजन जो है वो आपको बाइक में मिलेगा। दोस्तों, इस बाइक में जो मैक्सिमम पावर है अराउंड 16.04 के आसपास की PS पावर है, जो कि 8750 RPM पे पावर जनरेट करती है एंड मैक्सिमम टॉर्क में अराउंड 13.85 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 7000 RPM पे पावर जनरेट करती है। ध्यान रखिए दोस्तों, इस बाइक की जो पावर है वो लगभग 0.50 के आसपास की बढ़ाई गई है। पहले इसमें 15.50 की पावर आती थी, बट इसमें 0.50 की जो पावर है वो बढ़ा दी गई है TVS वालों की तरफ से। तो बाइक की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको अब और भी बेहतर देखने को मिलेंगी। कूलिंग सिस्टम में इस बाइक में आपको एयर कूलिंग इंजन देखने को मिल जाता है। फ्यूल सिस्टम में इस बाइक में आपको FI देखने को मिलता है, जो कि बोस कंपनी का यूज किया गया, काफी अच्छा होता है। साथ में आपको बता दूं, जैसे आपको पता है कि बाइक में नंबर ऑफ 3 मोड्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स, रेन एंड अर्बन। तो स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे तो बाइक फुल पावर जनरेट करेगी और अर्बन एंड रेड मोड में लगभग 13.32 के आसपास की जो पावर है वो जनरेट करेगी। इस बाइक में दोस्तों 1 नंबर ऑफ सिलेंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक की बोर साइज 62 mm की है, स्ट्रोक साइज अराउंड 52.9 mm के आसपास की देखने को मिलती है। नंबर ऑफ 2 वॉल्वो के साथ में बाइक आती है, जैसे इस बाइक का नेम ही है TVS अपाचे RTR 162V। इसमें एक 4V भी आती है, आपको पता है कि वो अलग है और ये 2V थोड़ी सी अलग है। साथ में नंबर ऑफ 5 स्पीड गियरबॉक्स जो है आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन जैसे आप लोगों ने देखा कि इस बाइक में आपको काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा सा जो इंजन है वो TVS वालों की तरफ से देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगी। हालांकि TVS की जो बाइक्स होती है भाई, वो अपना इंडियन ब्रांड है और आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे सारे ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक की माइलेज प्लस टॉप स्पीड के बारे में। दोस्तों, माइलेज में ये बाइक अराउंड 45 के आसपास का जो माइलेज आपको ये बाइक इजिली निकाल कर देती है। 0 to 100 में इस बाइक को लगभग 15 सेकंड, जी हाँ 15 सेकंड के आसपास के लगते हैं। एंड टॉप स्पीड दोस्तों, इस बाइक के अराउंड 110 किलोमीटर से 115 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको ये बाइक मिलती है, ऐसा कंपनी कहती है। हालांकि ये 120 तक इजिली चली जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों, फ्रंट में आप लोगों को बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है, आप काफ़ी कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। हालांकि आप लोग बोलेंगे कि भाई इसमें USD क्यों नहीं आया, तो भाई इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है इस बाइक की,
इसमें यूएसडी फॉक्स सस्पेंशन की और कोई भी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो इंडियन रोड्स को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फ्रंट टायर साइज के बारे में। तो फ्रंट टायर में आपको बाइक में 270 mm की जो टायर, सॉरी यार 90-90 का जो टायर है वो फ्रंट में देखने को मिल जाता है। वो मैं ब्रेकिंग बता दिया था। ब्रेकिंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, ABS है, जो कि सिंगल चैनल ABS आपको बाइक में देखने को मिलेगा। प्लेट साइज जो है बाइक की वो आपको 270 mm की जो है फ्रंट में देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक की लाइटिंग्स के बारे में। दोस्तों लाइटिंग्स में भी ये बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई, इस बार अपडेट लाया गया। देख पा रहे हैं कि आप लोगों को सबसे पहले बाइक में LED डियर लाइट देखने को मिल जाती है। LED डियर लाइट के साथ में आप लोग देख पा रहे हैं कि बाइक में आपको जो लाइट ऑप्शन दिया गया वो फुली LED सेटअप में दिया गया, जो कि इस बार ही अपडेट किया गया है TVS ओली की तरफ से, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा अपडेट था। हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि इस बाइक में फुली LED लाइट में काम करेगा TVS, और फाइनली ये लोग ने ये चीज़ लाई जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है। मेन लाइट फुली LED लाइट आपको बाइक में मिलेगी। टर्न सिंगल लैप बल्ब है। टेल लाइट में आपको बाइक में नई वाली LED टेल लाइट देखने को मिलती है। टेल लाइट का आप लुक देख पा रहे हैं, काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छी नई वाली लाइट इन्होंने प्रोवाइड की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। रियर में आपको बाइक में ध्यान रखिए, अगर आप ड्रम वाली लेंगे तो ड्रम वाले में आपको वही ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, डिस्क वाली लेंगे तो आप डिस्क वायर आपको इसमें देखने को मिलेगा। और रियर में इस बाइक में लगभग 200 mm के आसपास की प्लेट देखने को मिलती है। साथ में रियर टायर से इस बाइक में आपको 110/80 के देखने को मिलते हैं, जबकि मैंने यहाँ पे TVS वालों के अपडेट में देखा था जब ये लोग ने ऑफिशियल लाया था भाई कि लोग 120 वाला टायर देंगे, बट यहाँ पे 110/80 का टायर है। पता नहीं क्यों, हो सकता है इसका जो ब्लूटूथ वाला वेरियंट हो उसमें 120 के टायर हो सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक की डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। इस बाइक की जो चेसी है दोस्तों, इस बाइक में डबल क्रेडल यूज की गई, चेसी काफी अच्छी चेसी यूज की गई है। बात करें इस बाइक की डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में, इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ अराउंड 2085 mm की है। बाइक की जो ओवरऑल विड्थ अराउंड 730 mm की है। इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट अराउंड 1105 mm की है। बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm की, मतलब आपकी हाइट अराउंड, सॉरी इंडियन रोड में बड़े बड़े ब्रेकर्स होते हैं बट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 790 mm की, मतलब आपकी हाइट अराउंड 5.4 है। सुपर है, आप इसे कंफर्टेबल इजिली राइड कर सकते हो। व्हील बेस है 300 mm की। कर्व वेट है 137 kg का, काफ़ी लाइट वेट बाइक है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी बाइक में आपको 12 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो बाइक में देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं इस बाइक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, रोए दोस्तों इस बाइक का स्पीडोमीटर। सबसे पहले आप की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको बाइक में देखने को मिलती है। दोस्तों स्पीडोमीटर देख पा रहे कि बाइक में आप लोगों को इस बार फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जो कि फीचर्स की बाइक में कोई कमी नहीं। इस बार फीचर्स इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है और ये सेम वही स्पीडोमीटर है जो इन्होंने अपने अपाची RTR 164 में यूज़ करते हैं। स्पीडोमीटर में डिजिटल है, टेकोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ऑडोमीटर है, क्लॉक है, ABS लाइट है, फ्यूल गेज है, सर्विस रिमाइंडर है, लो ऑयल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है। ये सारे फीचर्स आपको इसके स्पीडोमीटर में देखने को मिलेंगे। इवन इस सेगमेंट में एक लौती ऐसी बाइक है जिसमें दोस्तों आप लोगों को मैं क्या कह रहा था, राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स। दो स्विचेस दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, वहां से आप मोड्स में से चेंज कर सकते हो। मतलब आप फीचर्स देखिए भैया, नेक्स्ट लेवल के फीचर है इस बाइक में। बात करें स्विचेस के बारे में, लेफ्ट हैंड साइड में पास सीट, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल लैंप, हॉर्न का स्विच है। राइट हैंड साइड में इंजन किल सीट, सेल्फ का सीट और राइडिंग मोड्स के जो स्विच हो आपको बाइक में मिल जाते हैं। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू TVS अपाचे RTR 162V का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है। आई थिंक दोस्तों मेरे हिसाब से बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।